हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शकरकंदी को फटाफट गैस पर कैसे तैयार करना है। कई बार जो है उस तरह मोटी मोटी शकरकंदी हमें मार्केट में मिल जाती है तो हम सोचते रहते हैं कि अरे इनको तो पकाने में बहुत समय लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको यहाँ पर आज दो शकरकंदी पका कर दिखाऊँगी, इस तरह की जो ये नॉर्मल पतली पतली शकरकंदी होती है वो, और ये मोटी वाली शकरकंदी। दोनों को हम एक साथ पकाएंगे कुकर में और टेस्ट जो होगा बिल्कुल बाजार की भुनी हुई शकरकंदी ऐसा होगा और मिनटों में, मतलब सिर्फ 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएंगी। दोनों को हमने धो करके तैयार कर लिया है। तो इस तरह की जो मोटी मोटी शकरकंदी आ जाती है बाज़ार से, उनको फटाफट पकाने का तरीका ये है कि इनको पकाने से पहले हम इनमें इस तरह फॉक की हेल्प से इनको प्रिक कर देंगे, इनमें छेद कर देंगे थोड़े थोड़े गैप पर। इस तरह से आप पूरी शकरकंदी पर थोड़ा थोड़ा छेद कर दीजिए चाकू की हेल्प से या इस तरह फॉक की हेल्प से। तो उससे क्या होगा, आप जो पतली शकरकंदी होती है उनके साथ भी आप इनको इक्वल टाइम में ही पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, अंदर तक अच्छे से प्रेशर में ये पक जाएंगी। और अब हमारी ये शकरकंदी पकाने के लिए, कुकर में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अब यहाँ पर इस वीडियो में जो मैं खास लेकर आई हूँ वो ये है कि कुकर में हम शकरकंदी को कैसे उबालेंगे पर टेस्ट जो है बिल्कुल भुना हुआ आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कुकर में सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल दिया है। यहाँ पर ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वही चक्कर हो जाएगा कि पानी जो है शकरकंदी के अंदर चला जाएगा और शकरकंदी का सारा टेस्ट वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा। तो हमें भुना हुआ बिल्कुल एकदम बढ़िया टेस्ट चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए हम पानी सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। यहाँ पर शकरकंदी को मैं काट के इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि जो है मैंने छोटा कुकर यहाँ पर लिया है और वो पूरी शकरकंदी उसमें एक साथ भी आ नहीं पा रही है, अदरवाइज़ काटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है अगर शकरकंदी मोटी हो तो जिस तरह से मैंने फॉक से प्रिक कर दिया है शकरकंदी में, उस तरह से हम प्रिक कर देंगे जिससे कि मोटी शकरकंदी को भी उबलने में, तैयार होने में ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पर हमने कुकर कर दिया है बंद, सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल करके, इतना पानी डाला है सिर्फ जी हाँ, जिससे कि हम जब गैस चलाएं तो उससे प्रेशर क्रिएट हो जाए उस पानी की हेल्प से और शकरकंदी नीचे लगे नहीं। तो इतने में हमारी सिर्फ आएंगी यहाँ पर 2 सीटी, 2 सीटी में वो पानी जो है पक करके अब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और 2 सीटी के बाद हमें कुकर कर देना है, गैस कर देना है बंद। लेकिन अभी हम कुकर को खोलेंगे नहीं, कुकर को हम खोलेंगे जब ये प्रेशर जो है अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगा। तो जो प्रेशर में हमारी शकरकंदी यानी कि जो हीट में शकरकंदी रखी रहेंगी उससे अपने आप ही अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। नहीं तो क्या होता है कई बार ऊपर से हमारी शकरकंदी पक जाती है पर बीच में से थोड़ी कच्ची रह जाती है, तो इसीलिए हमने गैस तो 2 सीटी में ही बंद कर दिया था। 2 सीटी आने में लगे थे हमें सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट क्योंकि पानी बहुत कम डाला था। उसके बाद हमने कुकर को खोला नहीं है, कुकर को हम खोलेंगे 5 मिनट के बाद। और अब आप देख सकते हैं कुकर जो है यहाँ पर हमारा अच्छे से प्रेशर रिलीज़ हो गया है, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं शकरकंदी के ऊपर ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं यानी कि हमारी शकरकंदी अच्छे से बन कर के तैयार है। पानी भी आप देख रहे हैं कुकर में बिल्कुल बिल्कुल ही ना के बराबर, बस नीचे की जो सतह है वो हल्की सी गीली दिख रही है। जैसा कि मैंने कहा था सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे जिससे कि वो पानी शकरकंदी के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ शकरकंदी को भूनने में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी हमारी ड्राई ड्राई सी भी दिख रही है, यानी कि जैसे बिल्कुल भुनी हुई शकरकंदी होती है बिल्कुल वैसी दिख रही है देखने में। तो हल्का सा छिलका उतार करके मैं आपको दिखाती हूँ। और तो इधर से तो हमने देख लिया कि शकरकंदी अच्छे से तैयार है, जो हमारा ये छिलके पर क्रैक आ गया था उससे ही हमें पता चल गया था। और अब बीच में से मैं आपको चम्मच से निकाल करके दिखाऊंगी शकरकंदी कि कितनी सॉफ्ट बिल्कुल अच्छे से भुनी हुई ड्राई ड्राई सी बनी है और एकदम मुलायम। तो आप इसकी चाट बनाकर खाइए आप, और अब जब भी शकरकंदी लेकर आएंगे तो फटाफट से उसको ऐसे ही तैयार कीजिएगा, घंटों उसको गैस पर पे पकाने की या चूल्हे पर पे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम टेस्ट के साथ हमारी शकरकंदी इतनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है।
तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज की ट्रिक कैसी लगी। इतनी मोटी सी शकरकंदी को भी हमने फटाफट से बना करके तैयार कर लिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को विज़िट कर सकते हैं ऐसी और बहुत सारी इजी नई क्विक रेसिपीज़ देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी या एक नई वीडियो के साथ।